हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट सिखाने जा रही हूँ, वो है देसी घी का हलवा। वैसे तो हलवा कई प्रकार का होता है, जैसे मूंग दाल का हलवा, सूजी का हलवा, लेकिन जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है आटे का हलवा। चलो आइए सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी आटा लिया है और मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है। साथ में मैंने यहाँ पर 1 स्पून नारियल का बुरादा और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। 1 स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अब हम देसी घी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आटे के लिए चाशनी बनाऊंगी। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी लूंगी और उसमें मैं 1 कटोरी चीनी ऐड कर दूंगी और हम इसकी पहले चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर 1 कढ़ाई लूंगी और मैं उसमें देसी घी डाल दूंगी। मैं आटे का हलवा बनाना शुरू करती हूँ। इस देसी घी को हम पहले गर्म करेंगे। हमारा देसी घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 स्पून बेसन मिलाऊंगी और मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे ताकि हमारा बेसन जो है जल ना जाए। जैसे ही ये पकेगा उसके बाद ही हम आटा डालेंगे। थोड़ी हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं। हमारा बेसन पक चुका है। अब मैं इसमें 1 कटोरी आटा ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ मैं कड़छी को चलाती रहूंगी। हमें कड़छी रोकनी नहीं है, हमें कड़छी को ऐसे ही घुमाते रहना है, नहीं तो इसकी गांठें बन जाती हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि जो आटा है अच्छी तरह से पक जाए और खाने में भी टेस्टी लगे। आपको इसको बनाते समय एक बात जरूर याद रखनी है कि कड़छी को घुमाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे तो हमने देसी घी अच्छे से डाला है पर फिर भी अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे लगने का भी डर होता है। आटा और घी जो है अच्छे से मिल रहे हैं और मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। जब तक कि हमें इसमें खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है। वैसे तो सिंपल आटे का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैंने बेसन इसलिए डाला है ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, ये थोड़ी डिफरेंट है। इधर हमारी चाशनी बिल्कुल पक चुकी है और दूसरी तरफ हमारा जो हलवा है वो भी लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें चाशनी को फटाफट से ऐड कर दूंगी और कड़छी को ऐसे ही तेजी से घुमाऊंगी ताकि इसमें गांठे ना बने। हमें फटाफट से ऐसे ही घुमाना है। जब आटे में खुशबू आने लगी थी तभी मुझे पता चल गया था कि ये अच्छे से भून चुका है। देखिए हमारा कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है। इसका मतलब हमारा जो आटे का हलवा है बहुत ही परफेक्ट बना है। इसी से पता चलता है कि हमारा आटे का हलवा बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसने कढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। देखिए कैसे घूम रहा है। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा मिलाऊंगी
और साथ में जो ड्राई फ्रूट, आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें मिला सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। आप इसे चने के साथ, ब्लैक चने के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, साथ में पूरी हो तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब हमारा देसी घी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आटे के देसी घी के हलवे के साथ मैंने यहाँ पर चने भी तैयार किए हैं, आप चाहे तो चने के साथ इसको ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं, और साथ में पूरी हो तो और भी स्वाद बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमारे देसी घी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको मेरे देसी घी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी ये मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।